Good morning, students. I hope you all are fine and safe. Welcome to our GK class. Today, we are going to start a new chapter, chapter number 29, Amazing Animals. What do you mean by amazing animals? Means very impressive animals, hai na? means Adbut animals. Okay? Every animal has its own unique peculiarity. Peculiarity means khasiyat, hai na? means visheshta. एंड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मीन्स गुड ओके दैट इट डिस्टिंग फ्रॉम अदर्स जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं ओके एवरी एनिमल्स हैिटी है ना सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है जो उन्हें अदर एनिमल्स से अलग करती है ओके okay? Pictures and descriptions of animals are given below. recognize and write their names. Okay. Look at the first one. The eyes of this animal turns blue in winter to help them see at lower light levels. Okay. So this animal, ये जो animal है इसकी आंखें सर्वियों में कैसी हो जाती है? Eyes turn into blue in the winter. Winter में इसकी जो eyes है वो blue हो जाती है. जिससे क्या होता है? उन्हें कम रोशनी में भी देखने में मदद मिलती है ओके सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल द नेम ऑफ दिस एनिमल इज रेंडियर ओके रेंडियर स्पीशीज ऑफ डियर फाउंड इन दी आर्कटिक टुंड्रा ओके एंड रेंडियर आर मेंबर्स ऑफ द डियर फैमिली नाउ दी नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन सम ऑफ देम कैन समर्वाइव विदाउट द मील फॉर अप टू टू इयर्स यस दिस एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट मील फॉर अप टू टू इयर्स मीन्स टू इयर्स तक अगर बिना खाने के भी ये जीवित रह सकता है है yes, ना सर्वाइव कर सकता है ओके सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल द नेम ऑफ दिस एनिमल इज स्नैक ओके स्नैक नाउन थर्ड वन लुक एट दिस पिक्चर द डाइजेस्टिव जूस ऑफ दिस एनिमल इज सो पावरफुल दैट इट कैन डाइजेस्ट इवन अ स्टील प्लेट मीन ये जो दिस एनिमल ये जो एनिमल है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि यहाँ एक स्टील की जो प्लेट होती है उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है ओके सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल द नेम ऑफ दिस एनिमल इज क्रोकोडाइल ओके क्रोकोडाइल नाउ दी नेक्स्ट वन इट कैन मूव इट्स आईज इन टू डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम मीन्स यह जो एनिमल है वो एक ही टाइम में है ना सेम टाइम में अपनी आईज को दो

बैक साइड अपनी आई से देख सकता है ओके एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल द नेम ऑफ दिस एनिमल इज रैबिट, ओके नाउ दी नेक्स्ट वन, दिस बर्ड कैन स्लीप इवन बाई फ्लाइंग मींस दिस बर्ड ये जो बर्ड है ये सोते हुए भी उड़ सकता है ना दिस तो बर्ड कैन स्लीप इवन बाई फ्लाइंग मतलब ये उड़ते उड़ते भी सो सकता है albatross. द नेम ऑफ दिस बर्ड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज else. ओके okay? सो so, ये जो एनिमल है ये सिर्फ यूकेलिप्टीन्स नीलगिरी का जो पेड़ होता है नीलगिरी प्लांट्स होता है उसी के उसी को ही खाता है और कुछ नहीं खाता है ओके एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल द नेम ऑफ दिस एनिमल इज कोला ओके कोला now the last one this mammal makes whistle of the loudest nine loudest noise hai na, among all the animals okay and what is the name of this animal the name of this mammal is blue whale okay blue whale okay students i hope you all are understood this chapter try to learn this chapter okay okay students now we are move on our next chapter chapter number 30 indian business tycoons indian business tycoons means a wealthy powerful person in business or industries okay india might have not scaled up the list of the world's most developed nations but टली हैज प्रोड्यूस्ड समी फाइनेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस माइंड यस इंडिया ने भले ही दुनिया के वर्ल्ड के सबसे डेवलपमेंट नेशन की सूची में नहीं बनाई है लेकिन इसने निश्चित रूप से है ना डेफिनेटली सम ऑफ दस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस माइंड मीन्स इसने डेफिनेटली बहुत सारे बेहतरीन और सफल बिजनेस तो, मैनों का बिजनेसमैन या बिजनेस माइंड का निर्माण किया है ओके okay? Of, of yes, उज ऑफ मिलीनियर्स मोस्ट ऑफ होम आर बिजनेस भारतों करोड़पतियों का घर है से अधिकांश बिजनेस टाइकून्स है ओके मोस्ट ऑफ दिजनेस टाइकून्स ओके आइडेंटिफाई दिस इंडियन बिजनेस टाइकून्स लुक एट दी फर्स्ट वन हु नदार शिव नदार

ओके ही इज़ द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी ओके लक्ष्मी मित्तल नाउ दी नेक्स्ट वन हुई ही हि इज जमशेद जी टाटा ओके जमशेद जी टाटा फॉदर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हु फाउंडेड द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ओके जमशेद जी टाटा नाउ दी नेक्स्ट वन हुई ही हि इज सुनील मित्तल सुनील मित्तल ओरिजिनेटर ऑफ सेलुलर फोन रिवॉल्यूशन एंड चेयरमैन ऑफ भारती ग्रुप ओके सुनील मित्तल नाउ द नेक्स्ट वन हु इज ही इज एनआर नारायण मूर्ति एनआर नारायण मूर्ति फाउंडर ऑफ इंफोसिस टेक्नोलॉजी ओके फाउंडर ऑफ इंफोसिस टेक्नोलॉजी अ ग्लोबल कंसल्टिंग एंड आईटी सर्विसेज कंपनी ओके एनआर नारायण मूर्ति Now, the next one. Next one is, who is he? he? is Jamnalal Bajaj. Jamnalal Bajaj, industrialist and freedom fighter who founded the Bajaj Group of Company. Who founded Bajaj Group of Company. Okay, Jamnalal Bajaj. Now, the next one. Who is he? He is Ajim Premji. Ajim Premji, chairman and CEO of Wipro.

चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओके एंड हुटली रैंक एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम है आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर ट्राई टू लर्न दिस चैप्टर थैंक यू स्टे हैपी स्टे से